Children, we are going to start now applications of potentiometer. In the previous lecture, in the previous video, just we have discussed what is potentiometer, what is the construction of potentiometer, what is basic principle of potentiometer, जो working होती है potentiometer की वो किस पर based होती है, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में आप discuss कर चुके हैं और हम ये मान के चलते हैं आप सब बच्चों को आती हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता है, किसी बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आई बटन पर क्लिक कर करके आप इसको आप देख सकते हैं। ये वीडियो, पहली वीडियो आप देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी, ठीक है। अब हम इसमें एप्लीकेशंस ले रहे हैं पोटेंशियोमीटर का। बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। ये काम बेसिकली करता है, ये पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से डिफरेंट है। वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, हाउएवर दिस पोटेंशियोमीटर कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेल का ईएमएफ भी आप मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे मेजर करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से दो प्रैक्टिकल्स भी हैं आपके सिलेबस में। पहला है टू कंपेयर ई1 एंड ई2 ऑफ टू सेल्स और कंपैरिजन ऑफ ई1 एंड ई2, और दूसरा है जिसको हम ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कहते हैं, और दूसरा है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। दोनों एक्सपेरिमेंट भी कवर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कवर हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, ठीक है। जो आपने पहली वीडियो में पढ़ा है वो इसको हम आगे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। क्या बताया था हमने पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम, जिसमें एक लॉन्ग वायर होता है, आइदर 4 मीटर लॉन्ग और 10 मीटर लॉन्ग, और इसी वायर में क्या करते हैं, हम एक यहाँ करंट फ्लो कराते हैं। मान लीजिए कोई एमीटर लगाया, यहाँ एक हमने कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, और इसमें हमने एक बैटरी को यूज किया था जिसका ईएमएफ ई था, ये कोई रियोस्टेट है, और यहाँ से पी और क्यू टर्मिनल है। ये फंडामेंटल सर्किट डायग्राम था, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज रियोस्टेट, दिस इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है, जिसमें से हम करंट फ्लो कराते हैं थ्रू द लॉन्ग वायर। ये पीछे पड़ गया है, पोटेंशियोमीटर था। अब देखिए हमें क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पहले ऐसा कोई सर्किट बनाना पड़ेगा जहां से पोटेंशियल डिफरेंस आप ले सकते हो। तो उसके लिए क्या करें, एक कोई इसका सेकेंडरी सर्किट बनाओ, और सेकेंडरी सर्किट में सबसे पहले आप यहाँ कोई रजिस्टर ले लीजिए, और ये रजिस्टर मान लीजिए आपका R1 है, और यहाँ आप एक की लगा करके, और इस की को मान लीजिए K1 कह रहे हैं, और एक की यहाँ भी आप लगा सकते हैं, इस की को मान लीजिए आप K कह रहे हो, और ये जो बैटरी है इसका जो EMF है मान लीजिए E1 है, और ये जो बैटरी है इसका EMF कितना है, E है, और यहाँ से हम एक सूटेबल रेजिस्टेंस R निकालते हैं एंड कनेक्ट दिस पॉइंट और टर्मिनल थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज कॉल्ड जी। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। When this K1 key is closed, then what will happen? Some of the current will flow through this resistance R1 due to this cell E1 of EMF E1. So a potential difference will be developed across it. तो ये जो दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये टर्मिनल P है, ये टर्मिनल आपका J है, ये Q है। Suppose this terminal is P डैश कर दीजिए, इसको P डैश भी कह सकते हैं, या और भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, चाहे P डैश नहीं ले रहे हैं तो M ले लीजिए, MN भी पॉइंट मान सकते हैं, ये M लेंगे। तो इस R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें मेजर करना है, या इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें मेजर करना है, और किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से करना है। अब देखिए इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल हमने बताया था, हमने प्रिंसिपल बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक सेल है और एक सेल आपने यहाँ लगाया, ये कोई गैल्वेनोमीटर आपने लिया, कब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, जब इन दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ये एक्स वोल्ट है तो ये भी कितना होना चाहिए, एक्स वोल्ट, एक्स की वजह से करंट इधर, इसे एक्स की वजह से करंट इधर, दोनों आइडेंटिकल सेल, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, तो करंट भी दोनों का इक्वल होगा, और तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, जीरो आएगा। तो अगर ये अननोन सेल है, इसके ईएमएफ हम नहीं जानते हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकाल लें, तो हम बताएंगे कि अगर ये एक्स वोल्ट है तो ये भी कितना आएगा, एक्स वोल्ट होगा। अब यहां आप क्या करते हैं, यहां ये पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। देखिए ये वाला जो प्राइमरी सर्किट है ये इसका रिप्लेसमेंट है, और यही हम करने जा रहे हैं, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस और यहां जो पीजे लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे केस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, जीरो आएगा। तो देखिए इसका वर्किंग क्या है, सबसे पहले की के को क्लोज करें, इसमें से करंट फ्लो कराएं, और करंट फ्लो कराने के बाद इसमें से एक सूटेबल रेजिस्टेंस आर टेक आउट कर लीजिए, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस बॉक्स में से, और मान लीजिए इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर डैश है। If R' is resistance of wire PQ, और किससे बना होता है, ये एलॉय से बना होता है, इधर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, we have already discussed. Then total resistance in the circuit,
और पोटेंशियोमीटर बताइए कितना हो जाएगा, R प्लस R। देखो R तो ये है, जब इस बैटरी से करंट फ्लो करेगा इस वाले वायर में ऐसे, अब ये 1 मीटर लेंथ है, फिर इधर से चलोगे 2 मीटर, फिर इधर से चलेंगे 3 मीटर, फिर 4 मीटर, ऐसे लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। और अगर R ये रेजिस्टेंस है, R डैश इसका है, तो कितना बनेगा टोटल रेजिस्टेंस, R प्लस R डैश ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें करंट कितना लोगे, करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, बताइए बैटरी की वजह से कितना करंट होगा, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना है, ई है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर एस। सपोज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, पी के, क्यू के अक्रॉस, को पोटेंशियल फॉल ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो यहां से आप पोटेंशियल का ये वायर जाएगा, ये लेंथ बढ़ेगी, फॉल ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा, ये लेंथ बढ़ने से फॉल ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर हम मान लें इफ कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर डैश है, ठीक है। अब बताइए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, वायर बताइए वी कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपने वी डैश लिया, इसका रेजिस्टेंस आर डैश माना, पोटेंशियल भी कितना लिया, वी डैश, तो बताइए वी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू एल, बताइए आपको डाउट तो नहीं है। के क्या है, के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, एल क्या है, लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल कितना है, के है, और एल लेंथ का कितना होगा, के इंटू एल, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इससे कैसे निकालोगे आप, इससे पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ लगाइए ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ओम्स लॉ से बताओ, यही पोटेंशियल दोबारा निकाल रहे हो आप, किससे निकाल रहे हो बोलो, करंट कितना हमने माना इसमें आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना लिया आर डैश, भाई यहां से और यहां तक का पूरे का रेजिस्टेंस कितना माना आपने आर डैश, करंट कितना इसमें आई है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ओम्स लॉ लगाने से। पी और क्यू पूरे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, आई इंटू आर डैश आएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू यहां से रखो, देखो ई अपॉन आर प्लस आर डैश और इंटू क्या हो जाएगा, आर डैश, इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 4 होगी। अब यहां से भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी होना चाहिए, ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये हमने ओम्स लॉ से फाइंड किया। अगर दोनों को इक्वलाइज कर दें, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है वायर पी टू के क्रॉस, तो क्या निकल जाएगा, के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ क्या आएगा बच्चों, के एल इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाई आर एस, और यहां से के आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर एस, और किससे मल्टीप्लाई कर दें, आर डैश से, इक्वेशन नंबर 5, देखिए के निकल गया, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अभी हमने सेकेंडरी सर्किट का कहीं यूज नहीं किया है, अब हम सेकेंडरी सर्किट का यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ क्लोज दिस की K1, अब इस K1 को भी बंद कर दीजिए, पहले ये ओपन थी, केवल के क्लोज थी जिससे कि इस वाले वायर में करंट फ्लो होता है, अब इसको भी बंद कर, जब इसको बंद करोगे तो यहां से करंट लोगे इस सेल से कुछ, जब करंट लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा। अब मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, किसके क्रॉस है, R1 के क्रॉस है, और यही हमें फाइंड करना है। तो क्या करें, जब हम जॉकी को स्लाइड कराते हैं तो मान लीजिए इस वायर में कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेंथ आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, लेट बैलेंसिंग पॉइंट और बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल लेंथ, क्या मतलब हुआ, कौन से वाली आएगी, इट इज इक्वल टू PJ, P से लेके J तक का, PJ कैसे मेजर करोगे, देखिए ये कितने मीटर हुआ, 1, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 3 प्लस दिस 1, तो टोटल लेंथ को आपने क्या मान लिया, स्मॉल l मान लिया है। तो अगर आपने इसको स्मॉल l मान लिया है बैलेंसिंग लेंथ को, तो बताइए PJ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PJ दैट इज इक्वल टू V जो आपको निकालना चाहते हो, ये हमें फाइंड करना है, इस R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, K तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, और लेंथ कितनी हो गई, L, देखो इसकी लेंथ हो गई L, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, K है, तो K क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जो हमने यहां से निकाल लिया। K की वैल्यू रखना जरा यहां से बच्चों कितनी आएगी, अगर हम K की वैल्यू यहां से रख देते हैं तो बताइए कितना आएगा, E अपॉन R प्लस R डैश, ठीक है, R डैश, और जब हमने K यहां से निकाला था तो बताइए L कहां शिफ्ट हो गया था, ये L इधर शिफ्ट हो गया था, ये K है ना, L इधर शिफ्ट हो गया था, तो बताइए R डैश अपॉन L इनटू L, ये फॉर्मूला बना, और ये किसका फॉर्मूला बन गया है, पोटेंशियल डिफरेंस का, किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ये फॉर्मूला यहां से बनता है। और इस फॉर्मूले में देखिए क्या है, बड़ी E कहां से मेजर करोगे, ईएमएफ ऑफ दिस सेल,
what is this resistance R? A suitable resistance taken R from this resistance box. ठीक, उसके अलावा what is R dash? R dash is the resistance of this wire PQ. ये R dash हो गया. And what about this small L? Small L is the balancing length. PJ. What about capital L? Capital L is the total length of the wire. ये वायर की total length होगी. और इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं? V निकाल सकते हैं. अच्छा देखिए सिंपल तरीका भी था. ये तो वो वाला मेथड हो गया जो जनरली न्यूमेरिकल में भी हम यूज करेंगे. इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इसमें दूसरा तरीका. क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो पीजे के क्रॉस पोटेंशियल है ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया और ये हम निकालना चाहते हैं. तो हमने क्या किया? पीजे के क्रॉस निकाल दिया. जो पीजे के क्रॉस आएगा वही किसके क्रॉस आएगा? इस आर वन के क्रॉस आएगा. तो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू वी. और यही फॉर्मूला बनेगा आर प्लस आर डैश मल्टीप्लाइड बाय आर डैश एल अपॉन एल. ये आंसर आएगा. बच्चों इतना समझ आया कि नहीं? अच्छा दूसरा मेथड कौन सा बता रहे हैं हम? दूसरा मेथड हम ये बता रहे हैं अगर हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वी का फॉर्मूला क्या बताया आपने? के इनटू एल बताया. ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड. ऑल्टरनेट मेथड के क्या बताया था आपने? देखिए के को जब हमने लिया था तो वी इज इक्वल टू आई इनटू आर. आर की जगह क्या था? रो एल अपॉन ए. राइट, अच्छा एल ये बनेगा ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आई करंट, व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी, व्हाट इज दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज दिस वी. जिसका भी आप लेना चाहते हैं उसी की लेंथ लेनी पड़ेगी आपको. ये लेंथ लेनी पड़ेगी. अगर हम पूरा पोटेंशियल लेना चाहते हैं यहां से यहां तक तो लेंथ भी कितनी लेनी पड़ेगी? पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी. और इसको क्या डिफाइन किया था आपने? के दैट इज इक्वल टू के एल. तो के की वैल्यू कितनी हुई? आई रो अपॉन ए. ये भी कर सकते हैं और ये वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें आई रो अपॉन ए इनटू एल. ये फॉर्मूला भी बन सकता है. किसका फॉर्मूला बन सकता है? ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पोटेंशियल. तो आप ऐसे निकालिए या इस मेथड से निकालिए. अब इस मेथड में क्या क्या चाहिए आपको? यू नीड करंट. करंट कहां से मिलेगा? एमीटर से मिलेगा. यू नीड रेजिस्टिविटी. रो कहां से मिलेगी? इस वायर की कितनी रेजिस्टिविटी है वो फाइंड करना पड़ेगा. What is area of cross section? इसका area of cross section निकालना पड़ेगा diameter निकाल के. और L क्या है? Balancing length. तो अगर इन parameters की terms में निकालते होगे तो ऐसे निकालेंगे और अगर ये तरीका है calculation का तो ऐसे find करेंगे. तो पहला application complete हो जाता है जिसमें हम find करते हैं to measure potential difference by the potentiometer. बताइए सबको क्लियर होगा कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है वो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है. इनडायरेक्टली ये मेजर नहीं करते, ये मेजर करते हैं वायर के. और जब ये और ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाते हैं देन गैल्वेनोमीटर गिव्स जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग दिस. क्या यूज कर रहे हैं हम? बाय यूजिंग दिस सर्किट डायग्राम. इस सर्किट डायग्राम को यूज करके आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं. चलिए दूसरा एप्लीकेशन देते हैं. सेकंड एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स. टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स. टू कंपेयर क्या कंपेयर कर रहे हैं? इससे हम कंपेयर कर रहे हैं ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स. अब दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले हम ये करेंगे. यहां पर दो सेल आए, अगर दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है तो यहां पर दो सेल लगा दीजिए. एक सेल लिखिए ई वन, दूसरा सेल लिखिए आप ई टू. और यहां एक टू वे की ले लीजिए, ये टू वे की है. और यहां से हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे. ये मेथड अडॉप्ट करना है. दिस इज के वन एंड दिस इज के टू. एक लैग्रांजियन सेल ले लीजिए, एक डैमियन सेल ले लीजिए और मान लीजिए दोनों का ईएमएफ निकालना है. प्राइमरी सर्किट विल रिमेन सेम. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है प्राइमरी सर्किट में. तो प्राइमरी सर्किट के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे. अब आप इस रेजिस्टेंस को लेना चाहे ले लीजिए, अदरवाइज सर्किट डायग्राम में इस रेजिस्टेंस बॉक्स को आप हटा भी सकते हैं. ये रियोस्टेट ऑलरेडी आपने यूज कर रखा है वेरिएबल फंक्शन को, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. अब देखिए इसमें क्या करेंगे. सबसे पहले ओपन द की के वन एंड के टू, क्लोज दिस की के and try to develop a potential difference across this terminal, these two terminals P and Q. This E1 and E2 both are in open circuit. अभी open circuit में है, यहाँ एक potential difference develop हो जाएगा किसके cross? PQ के cross. ठीक, अब अगले step में क्या लेंगे? देखिए अगले step में क्या करते हैं, सबसे पहले इस K1 को close करते हैं. Open this key K1. तो पहले आपने क्या किया? सबसे पहले बताओ क्या किया हमने? Key K को close किया और एक potential difference develop किया हमने. और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के बाद हमने क्या करते हैं? पहले पी एंड पर टच कराइए गैल्वेनोमीटर को, द डिफ्लेक्शन यू विल गेट ऑन वन साइड. फिर क्यू पर एंड पर कराइए, देन यू विल गेट डिफ्लेक्शन ऑन अदर साइड. उसके बाद में हमने किसको क्लोज किया? के वन को. एंड देन के टू इज मेड ओपन. तो सेकेंड स्टेप ये हुआ
K1 is closed and K2 is open. कौन सा step हुआ ये? Second step. पहला step हमने बता दिया जिसमें K1 और K2 दोनों open थे. अब देखिए अगर K1 close है तो circuit में कौन सा cell आ गया? ये वाला cell आ गया E1. और हमने balancing length मान लीजिए निकाली L1. Say for length L1 galvanometer gives null deflection. Which deflection? Null deflection. ठीक है, galvanometer null deflection देता है. एक बार फिर बता देते हैं क्या है. दो सेल के EMF को कंपेयर करना है. हम बजाय ये करें कि पहले एक सेल कनेक्ट करें फिर उसको हटाएं फिर दूसरी सेल कनेक्ट करें, हमने दोनों सेल एक साथ कनेक्ट कर दिए. उसके लिए टू वे की ले ली. टू वे की का मतलब है दोनों तरह से काम कर सकता है. K1 को ओपन करेंगे तो K2 को क्लोज कर देंगे, ये सेल सर्किट में आ जाएगा. K2 को ओपन रखेंगे, K1 क्लोज कर देंगे तो पहला सेल सर्किट में आ जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सेल को अगर हम सर्किट में ले रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, K1 को क्लोज करेंगे और K2 को क्या करेंगे, ओपन करेंगे. तो यहां से करंट फ्लो करेगा. जब ये EMF और इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा PJ के, तो ऐसे केस में क्या आएगा, देन वी विल गेट दिस EMF इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस PJ. ये तो प्रिंसिपल पढ़ाया आपने. चलिए मान लीजिए L1 लेंथ के लिए नल डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में. क्या किया आपने, पहले K को क्लोज किया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, उसके बाद K1 को क्लोज किया, K2 ओपन रखा, जोकी को स्लाइड कराया ऑन द वायर टू गेट द बैलेंसिंग लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द नल डिफ्लेक्शन, एंड देन यू कैन राइट E1 प्रोपोर्शनल टू L1 और E1 इज इक्वल टू KL1. इक्वेशन नंबर 1 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, नाउ डू वन थिंग इन थर्ड स्टेप, दिस ओपन दिस की K1 एंड क्लोज दिस की K2. नाउ ओपन K1 एंड क्लोज की K2 एंड अगेन रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट. दिस टाइम दिस सर्किट विल कम इनटू द सर्किट. ओके, व्हेन ईएमएफ ऑफ दिस सेल विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वन. सपोज दिस वन J' या इसको J1 कर दीजिए, इसको J2 कर दीजिए. अगर इसको J1 कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ L1 और J2 की जो बैलेंसिंग लेंथ होगी मान लीजिए वो आपकी कितनी आती है L2. अंडर दैट कंडीशन E2 प्रोपोर्शनल टू L2. ठीक है, और E2 कितना आएगा, E2 इज KL2. क्या करेंगे, K दोनों में सेम क्यों लिया, करंट यहां से सेम रखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द करंट इन दिस रीडिंग. जो करंट पहली रीडिंग में था, पहली सेल के कोरस्पॉन्डिंग था, वही करंट PQ वायर में सेकंड में भी रखेंगे. यहां कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल K1 को ओपन करके K2 को इंसर्ट कर देंगे, ये वाला स्टेप आ जाएगा. और अगर आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, देन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. बताइए हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं EMF. एंड नॉट ओनली वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, वी कैन फाइंड द EMF ऑफ ए सेल. केवल कंपैरिजन ही नहीं, आप एक सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते. कैसे निकाल सकते थे, के की वैल्यू निकालो, ध्यान रखो. अभी देखो के की वैल्यू हमने यहां फाइंड की थी कि नहीं, ये आई थी के की वैल्यू. देखो पहले के की वैल्यू निकाल के यहां रख दीजिए, के आ जाएगा, L1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा. बिकॉज इन दिस सर्किट E1 कोई भी अगर करंट नहीं लेते हैं तो ईएमएफ आ जाता है. सो दिस इज ए वे टू फाइंड द ईएमएफ, रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. दिस इज योर एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट है आपका, एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट काफी दिया जाता है. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप ये सर्किट डायग्राम बनाइए. पहले स्टेप में के को क्लोज कर दीजिए, इन दोनों को ओपन कीजिए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक कीजिए ऑन पॉइंट P एंड ऑन पॉइंट Q. फिर K1 को क्लोज करके नल डिफ्लेक्शन लेके आइए गैल्वेनोमीटर में. फिर K1 को ओपन करके K2 को आप करेंगे तीसरे स्टेप में. ये दूसरे स्टेप का एक्सप्रेशन, ये तीसरे स्टेप का. दोनों को डिवाइड कर दीजिए L1 बाय L2. L1 मेजर कहां से करोगे, P से करोगे. देखो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस प्लस दिस, ये लेंथ आएगी 100 सेंटीमीटर, 200, 300 समथिंग आएगा. इस तरह से हम दोनों के सेल के EMF को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. चलिए ये क्लियर हो गया सबको. एक और इसमें थर्ड एप्लीकेशन और आता है जिसमें कहते हैं टू मेजर ईएमएफ ऑफ, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का क्या मेजर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है. तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस अब कैसे मेजर करेंगे, अब दो सेल नहीं एक सेल लेना पड़ेगा. लेट्स हैव वन सेल ओनली. इन दोनों सेल की जगह हमने एक सेल ले लिया और ये सेल कितने ईएमएफ का है, मान लीजिए ईएमएफ का है. इसके पैरेलल में एक यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स ले लीजिए और इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ एक यहाँ की लगा देते हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं. ये गैल्वेनोमीटर का सर्किट हो गया. अब ये सर्किट डायग्राम बना, ये आपका K1 है और ये क्या है, केवल हमने ये सेकेंडरी सर्किट बना. अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस का, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है
R is equal to E upon V minus 1 into R. बोलो ये फॉर्मूला पढ़ के आए कि नहीं आप? इस फॉर्मूले को से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे. इसमें दो पैरामीटर है, एक E है और एक V corresponding to R. तो हम R के corresponding V निकालेंगे, पहले E फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या निकल जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस. बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. यहां आपने चेंज किया, एक सेल हटाया, उसके लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, एक की आपने लगाई और ये आपने डायग्राम बना दिया. अब देखिए इसमें पहला स्टेप बिल्कुल कॉमन है, कुछ नहीं करना है आपको. पहले के क्लोज करेंगे, के वन को ओपन रखेंगे. नाउ के वन इज मेड ओपन. के वन को क्या कर दिया आपने? ओपन कर दिया. इस वाले सर्किट में के वन को ओपन किया, के तो ऑलरेडी क्लोज है, पहले वाला स्टेप तो वही रहेगा सेम. के वन को ओपन करने पर ये तो कोई सर्किट में नहीं आएगा, ये सर्किट से बाहर है. तो बताइए पहले वाली रीडिंग कैसी बनेगी? सेम बनेगी. और बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू लेंथ J1, दैट इज इक्वल टू E, एंड नाउ E प्रोपोर्शनल टू L1, सो दैट E इज इक्वल्स टू KL1. ये KL1 आ जाएगा, ये पहला स्टेप है. देखो पहला स्टेप सेम रहा कि नहीं? L1 लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा आया? जीरो आया. ऐसे केस में E प्रोपोर्शनल टू L1, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? KL1 हो गया. K क्या है इसमें? पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया. पहला स्टेप क्लियर हो गया. तो यानी कि जो पहला एप्लीकेशन दिया, दोनों का फर्स्ट स्टेप कैसा है? सेम है. अब सेकंड स्टेप है ये. नाउ क्लोज दिस की के वन एंड टेक आउट ए सूटेबल रेजिस्टेंस आर फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस बॉक्स. अब क्या होगा? जैसे इसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स में से आर निकालोगे, तो इसके क्रॉस कुछ करंट फ्लो करेगा सेल से. एंड व्हेन यू आर टेकिंग सम करंट फ्रॉम द सेल, देन इट विल बिकम पोटेंशियल डिफरेंस कोरिस्पोंडिंग टू दिस रेजिस्टेंस आर. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हम पढ़ गया है, ईएमएफ से क्या होगा? कम होगा. तो अगर पहले से कम हो गया, ये वैल्यू आपकी डिक्रीज कर दी, तो ये वैल्यू भी तो डिक्रीज करेगी, और ये डिक्रीज करेगी तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी. तो जोकी को आपको इधर स्लाइड कराना पड़ेगा. एंड नाउ लेट अस से फॉर लेंथ एल टू द गैल्वेनोमीटर गिव्स ए नल डिफ्लेक्शन. अब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है बच्चों? L2 आ रहा है. अब बताओ E की जगह क्या हो जाएगा? जब हमने इसमें से कुछ करंट ले लिया R के कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. सो V प्रोपोर्शनल टू L2 और V इक्वल टू K L2. Why अगेन K सेम? बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग करंट इन दिस सर्किट, सेम करंट पे ले रहे हैं. फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर. आर कितना है? रो एल अपॉन ए. ये रेस्ट्रिक्शन है, ये दो चीज तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है, एक ही मटेरियल का वायर है, आप केवल किससे कंट्रोल कर रहे हैं? आई से. तो आई यहां से आप कांस्टेंट रखेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? एल वन अपॉन एल टू. एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, आर इज इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस वन इंटू आर, एल वन अपॉन एल टू माइनस वन इंटू आर. अब देखिए एल वन किसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है? पहले विदाउट दिस रेजिस्टेंस बॉक्स आर. एल टू किसके कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ है? विद दिस रेजिस्टेंस आर. आर यहां से आपने निकाला 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम. आर की वैल्यू यहां से लो और कोरिस्पॉन्डिंग आप लेंथ यहां से मेजर करेंगे. अगेन यू आर मेजरिंग द लेंथ फ्रॉम पॉइंट पी. पी से आप ऐसे जाइए, इस तरह से मेजर कीजिए, ये आप बिल्कुल यहीं से टच कर रहे हैं, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल की ड्रॉप आएगा, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आएगा? जीरो. सो दिस इज अ फाइंड, दिस इज अ वे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. बोलो ये एप्लीकेशन समझ आया कि नहीं? तो फंडामेंटल सर्किट प्राइमरी सर्किट विल रिमेन सेम, ओनली देयर इज चेंज इन द सेकेंडरी सर्किट. सेकेंडरी सर्किट जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे. आपके रिक्वायरमेंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की है तो उसके अकॉर्डिंग सर्किट बनाइए. ईएमएफ कंपेयर करना है तो वो वाला सर्किट बनाइए दो सेल का. अगर आपको इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस था आर, ये निकालना है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस तरीके से. ये अगर ई ले रहे हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं, आप इसको बैटरी कह सकते हैं, इसको ई डैश भी कह सकते हैं, ये वाला तरीका. और इसमें के निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों एक्सपेरिमेंट में के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए इसमें गैल्वेनोमीटर की एक चीज और बताते हैं. इसमें लास्ट गैल्वेनोमीटर में एक चीज और डिफाइन करते हैं, सेंसिटिविटी. व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, अच्छा सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है?
कोई भी चीज कितनी सेंसिटिव है, सेंसिटिव का मतलब वो कितने इफेक्टिवली अपने काम को कर पा रही है, कोई स्टूडेंट कितना सेंसिटिव है, इसका मतलब ये होता है कि आपने स्टूडेंट को टीचर ने कह दिया बेटा पढ़ाई नहीं करे, जरा मेहनत करके पढ़ाई करो, बच्चा सेंसिटिव है पढ़ाई करनी शुरू कर देगा, और अगर बच्चा सेंसिटिव नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, वो इनसेंसिटिव है, अगर बच्चे को डांट देते हैं उसके बाद भी बच्चा काम नहीं कर रहा है तो बच्चा लेस सेंसिटिव माना जाएगा। ऐसे ही ये डिवाइस कब ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा, दिस पोटेंशियोमीटर इज सेट टू बी मोर सेंसिटिव व्हेन इट मेजर्स द इवन वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्टिवली। ठीक है, इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, अगर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी इफेक्टिवली मेजर कर देता है तो उसको एक्यूरेटली मेजर कर देता है, दैट इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। ठीक है, सो दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, हाउ इफेक्टिवली इट मेजर्स इवन द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, समझ आ गए, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जब ज्यादा सेंसिटिव होगा, जब इसका क्या करेगा, जब ये स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक्यूरेटली मेजर करेगा, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट इज फाउंड दैट अ पोटेंशियोमीटर ऑफ स्मॉलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज मोर सेंसिटिव। तो इसका हमने क्या निकाला, जितना के की वैल्यू कम होगी उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो जो भी आप डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर को जब यूज कर रहे हैं तो के की वैल्यू जितनी कम आप रखोगे उतना ही क्या होगा, ये पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। और K को अभी आपने डिफाइन किया था, K इज इक्वल टू आई रो अपॉन A, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, मटेरियल भी सेम है, तो अगर I को आप कम रखें अंडर दैट कंडीशन देन इट विल बी मोर सेंसिटिव। तो इसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन करने का और एक और तरीका है, K इक्वल टू V अपॉन L, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, तो फॉर ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, अगर लेंथ L बढ़ा देंगे, अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा होगा, स्मॉल होगा। सो देयर आर टू ऑप्शंस, क्या कौन से ऑप्शंस हैं, आइदर बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट I, नंबर वन, नंबर टू द बाय इंक्रीजिंग द लेंथ L। तो एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक 4 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर है, दूसरा 10 मीटर लेंथ का है, विच वन इज मोर सेंसिटिव, जिसकी लेंथ वायर की ज्यादा होगा, तो जो फॉलो पोटेंशियल स्प्रेड होगा वो ज्यादा लेंथ पर होगा, इसलिए उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा देन इट विल बिकम मोर सेंसिटिव। सो ये तरीका है, लेकिन जब हम मेजर करते हैं तो ऐसा ना हो कि जो प्राइमरी सर्किट से हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है PQ का, ये सेकेंडरी से कम आ जाए, अगर ये सेकेंडरी से कम रह जाएगा, जो आपको मेजर करना है, सपोज मेजर करना है आपको 4 वोल्ट और आपके पास अवेलेबल कितना है 3 वोल्ट है, और यहां बढ़ा करके भी आप रियोस्टेट से 3 वोल्ट तक लेके जाएंगे, तो क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, नहीं होगा 0। तो जो आप मेजर करना चाहते हैं, द एसेंशियल कंडीशन शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी मोर देन द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर, एक इसमें ग्राफ भी बना देते हैं कई बार, और ग्राफ होता है बिटवीन वी एंड एल, ये ग्राफ इधर से आप वी ले लीजिए, इधर से एल ले लीजिए, और इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का तरीका हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वी इज ए एम, और ये कितना हो जाएगा ओ एम, that is AM upon OM is equal to tan theta। तो अगर हम इसका स्लोप ले लेते हैं VL ग्राफ का, तो यहाँ से क्या मिल जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक हमने एक लेक्चर लिया है जिसमें 3 एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर के, पोटेंशियोमीटर इसमें से 2 एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, E1 by E2 आपके सिलेबस में है, केवल सर्किट कनेक्शंस आपको करने हैं और उसके बाद आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हमने प्रोसेस बताया 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप को पूरा करो, यू विल गेट द रिजल्ट। और इसमें जो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, उसको देखने के लिए आपको बता दिया गया है। आप कैसे देखेंगे, पहले वीडियो देख करके ही तब आप इन तीनों एप्लीकेशंस को कर सकते हैं, तो आपका 2 एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं पोटेंशियोमीटर।